चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। अ डाई इज थ्रोन 3 times, एक डाई क्या कर रहे हैं हम बेटा, 3 बारी थ्रो, राइट। सबसे पहली चीज, जब एक डाई को एक बार फेंकते कितने आउटकम्स आते हैं, 6। एक बार फेंकने पर, दो बार फेंकने पर 36, बताने की जरूरत है कैसे बेटा, वो याद है 1 1 1 2 2 3 पढ़ा था हमने सारा, 6 6 तक, तो 36 आते हैं। अब अगर एक डाइस को मैं 3 बार फेंकूं तो कितने आएंगे, 216, कैसे, 6 की पावर होती है 3, दो बार फेंक रहे 6 की पावर 2, तो 216। तो ज्यादा नहीं करना आपने बेटा, 216 आउटकम्स लिखने हैं, इतनी कॉमन सेंस तो आपको भगवान ने दे रखी है कि पेपर में तो लिखोगे नहीं, तो क्या तरीका है सर, आओ। इवेंट ए क्या है, 4 on 3rd throw, बी क्या है, 6 on 1st and 5 on 2nd, राइट। निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हो चुका है, निकालना क्या, पहले बताओ ए बाई बी, बी बाई एक मिनट, जो बाई बी कह रहे वो 1 finger, जो बी बाई ए कह रहे 2 finger, और ऑनलाइन में जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं करा, हाँ जी, ए बाई बी वाले 1 finger, बी बाई ए वाले 2 finger, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अपने अक्का लगाओ, ए बाई बी बता, अरे भगवान ने इंग्लिश सही दी है आपको, भगवान ने नहीं दी, स्कूल वालों ने दी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी सामने लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी किसकी मांगनी है, ए की, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी पी ए बाई बी, कसम से इतनी गंदी इंग्लिश मैंने आज तक नहीं पढ़ी, एक मिनट, बच्चे ने कहा मैंने लिखवाया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन, इज गिवन नहीं लिखवाया, गिवन दैट, मेरे पास डिफरेंट टाइप के नमूने हैं, चलो बस है ना, आगे आगे क्वेश्चन पे आता, क्या है ए बाई बी निकालना है, और गिवन क्या बेटा, बी है, बी क्या है, 6 on 1st and 5 on 2nd, 6 पहले पे है और 5 second पे, यानी कौन से हो जाएंगे खुद बताओ, आउटकम्स क्या बने, पहले गिवन वाले लिखते हैं, 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, अब इसमें से किसके निकालने, 4 on 3rd throw, 6 5 4, क्या बना बेटा, बेटा ये था, खुद बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, क्या 216 आउटकम्स लिखने की जरूरत है, नहीं है, 1/6 ये था, वाज इट टफ, एग्जांपल 6 पढ़ना जल्दी से, सेम वैरायटी है, जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को क्या करें बेटा, दो इसके आउटकम्स लिख सकते हैं, हाँ तो लिख लो, सबसे पहला काम इसके आउटकम्स लिख लो बेटा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बच्चे ने कहा क्यों लिखेंगे, मैंने कहा मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं इसलिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अगर मैं पेपर करता तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट ही करता, ठीक है, 3 1 3 2 3 4, मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, आप लोग कर लोगे पिकअप, बोलो, चलो आपको वैसे इतनी कॉमन सेंस आएगा कि 4 appeared at least once, राइट। अब एक लाइन नहीं रह गया, एक लाइन के पीछे क्या रुकना, चलो हमने लिखी लिए बेटा, अब क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्या कहता है, निकालना क्या मेरे को, What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once? Probability निकालने किसकी? कि जो 4 है कम से कम एक बार आए। सर ध्यान से पढ़ना, ये तो पता नहीं लगा। A die is thrown twice, इसको दो बार फेंक रहे हैं, सैंपल। And sum of numbers appearing is observed to be 6.
सिक्स, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो नंबर्स है उसका सम क्या है, सिक्स है, तो एक पॉइंट पता लग गया, ए सम इज सिक्स राइट। एक मान लो ए ले मैंने से, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फोर हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, फोर क्या हो, फोर अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, बेटा निकालना क्या क्वेश्चन में, ए बाय बी या बी बाय ए, ऑनलाइन क्या कहते हैं, क्या निकालेंगे, जल्दी से बताओ कनक, आप ही से पूछ रहा हूं, बी लिखा हुआ, बट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फोर हैज अपीयर्ड वंस, फाइंड, इसी को जब बोल दिया उसने, व्हाट इज द, कोई बात नहीं हो जाएगा दिमाग ठीक, बी वाई, ठीक है ये निकालना है, क्या दिक्कत है, तो पहले ए के लिखेंगे, ए क्या बेटा, सम सिक्स हो, कौन कौन से हो जाएंगे जिसका सम सिक्स है, वन फाइव टू फोर थ्री थ्री फोर टू फाइव वन राइट, क्या फोर अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, एक दो, फोर कम से कम एक बार आए, अगर मान लो फोर फोर होता तो वो भी काउंट होता राइट, तो क्या बना, पी बी बाय ए टू बाय फाइव, ये आंसर है, अब बताओ मुश्किल था, चलो होमवर्क टाइम, देखते कर पाते हो, प्रॉब्लम टेंशन लेना, क्वेश्चन सिक्स से लेकर टेन तक, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, एग्जाम्पल नंबर वन से लेकर सिक्स तक, बस एंजॉय योर डे, बाय बाय।